हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम कोठारी आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। कोठारी आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो उन्हीं सिफारिशों में आयोग के सदस्यों ने क्या सुझाव दिए और क्या सिफारिशें की उनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ये था कि जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाए, इन सब के बारे में, इन सारी सिफारिशों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें कि जो आयोग है उन्होंने अपनी सिफारिश में कल कहा था, हमने कल पढ़ा था कि समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए, 25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल में बदल दिया जाए, प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए व माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके बाद था कि 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा और 6 वर्ष पूरे होने पर प्रथम कक्षा में नामांकन कर दिया जाए। विषय विभाजन है वो कक्षा 10 के बाद किया जाए। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक व व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश भी कोठारी आयोग ने की कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधार होगी तो उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधार होगी और व्यवसायिक स्थिति सुधरने से वो मानसिक रूप से सुधार होंगे और अच्छी तरह से अपना कार्य है वो कर पाएंगे। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए, ऐसा भी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। उच्च शिक्षा में 3 या इससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विषय अनुसार पाठ्यक्रम हो कि उच्च शिक्षा में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पीजी किससे करना चाहते हैं उसके अनुसार समय है वो निर्धारित हो। तो स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का और उसके बाद विषय अनुसार पाठ्यक्रम हो, ऐसी सिफारिश या सुझाव कोठारी आयोग ने दी थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी को ही मानक पुस्तक है वो माना जाए, कि जैसे मानक पुस्तकों की हम बात करते हैं तो कोठारी आयोग ने कहा था कि एनसीईआरटी को ही मानक पुस्तक मानना चाहिए, कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो पुस्तकें हैं इनकी वो ही मानक हैं, ऐसा मानकर विद्यार्थियों को अध्ययन है वो करवाया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये कोठारी आयोग की सिफारिशें थी, सुझाव थी। तो इन्हीं सिफारिशों का जो परिणाम है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। कोठारी आयोग की सिफारिशों का परिणाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 1968 जो कोठारी आयोग है उसी की सिफारिशों का परिणाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। जो नई शिक्षा नीति है वो है 1986। नई शिक्षा नीति 1986 थी जो 1986 में बनी, इसी का उल्टा है 1968 का 1986। तो इसमें इसको बनाने की आवश्यकता क्यों बनी, यानी पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब बनी? 1968 में क्यों बनी? कोठारी आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप बनी। तो हम इसमें जानेंगे कि कोठारी आयोग की सिफारिशें तो इसने लागू की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो भी सिफारिशें कोठारी आयोग ने दी, सुझाव दिए, उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू किया गया। तो और क्या क्या इन्होंने अपनी सिफारिशों में या क्या क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ संक्षेप में, कि 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। अध्यापकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, कि अध्यापकों को ये कह दिया गया कि भाई अध्यापकों को आपको पदोन्नति दी जाएगी, आपके वेतन में वृद्धि की जाएगी, इसलिए वो भी अपने व्यवसाय के प्रति प्रोत्साहित हुए और इस व्यवसाय को जो युवा वर्ग है या अध्यापक जो बने हैं इस व्यवसाय ने उनको आकर्षित किया। तो आकर्षक प्रोत्साहन अध्यापकों को दिया गया। अब हम बात करते हैं त्रिभाषाई फॉर्मूले को अपनाया गया। त्रिभाषाई फॉर्मूला दिया किसने था? कोठारी आयोग ने।
अपनाया किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 में। तो त्रिभाषाई फॉर्मूले को अपनाया गया किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। त्रिभाषाई फॉर्मूला है क्या? हिंदी अंग्रेजी प्लस क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। जैसे हम जिस प्रांत में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपनी एक क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र में मराठी है, तमिलनाडु में तमिल है। इस प्रकार से जो रीजनल लैंग्वेज है उनको, उसको भी इसमें जोड़ा गया। तो हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को ऊपर भी ध्यान दिया गया। अनुसंधान कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस नीति में ये कहा गया कि अनुसंधान कार्य जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि विज्ञान के साथ साथ औद्योगिकी क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए कि कृषि विज्ञान के साथ साथ तकनीकी औद्योगिकी, जिसपे हम इंडस्ट्रियल जो एरिया आता है, औद्योगिकी क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाए, ये किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू की गई कि जो 6% है राष्ट्रीय आय का, वो शिक्षा पर खर्च कर दिया जाए। 10+2+3 स्तरों पर शिक्षा का विभाजन है वो कर दिया जाना चाहिए कि 10 तक आपने शिक्षा ग्रहण की, फिर 12th माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की, फिर उच्च शिक्षा में आप पहुंचे। इस प्रकार इन स्तरों पर शिक्षा का विभाजन है वो इस शिक्षा नीति में किया गया। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं जैसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनते हैं इनसे संबंधित, उसकी बात हम कर रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र कौन से आयोग ने दिया था? तो कौन से आयोग ने दिया त्रिभाषा का फॉर्मूला? कोठारी आयोग ने दिया। और यही लागू किसमें हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। कौन से आयोग के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कौन से आयोग के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई? कोठारी आयोग के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अस्तित्व में आई। सामाजिक बदलावों, जीवन के विभिन्न पक्षों आदि पर ध्यान कौन से आयोग ने दिया? तो स्टूडेंट्स, सामाजिक बदलावों की बात, जीवन के विभिन्न पक्षों की बात कोठारी आयोग ने की, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने की। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन मैंने आपको बताया 14 जुलाई 1964 को किया गया। कोठारी आयोग की सिफारिशें कौन सी शिक्षा नीति में लागू की गई, ये भी बात है वो ध्यान देने योग्य है। कोठारी आयोग की सिफारिशें कौन सी शिक्षा नीति में लागू की गई? जो पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, उसमें कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने की जो बात है, जो हमें अन्य जो एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, उनमें भी ये पूछा जाता है इस आयोग से संबंधित, कि क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत आयोग था, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी इनको ध्यान में रखें। धन्यवाद।